नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको भविष्य में आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिल सके। अरे एक बार तो मुझे मेरे घर वालों से मिलवाओ ना। मिलवा नहीं सकते तो पापा को कम से कम एक फ़ोन तो करने दो। आप लोग जानते हो मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे इतनी देर से ऐसे रखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, मैं बाहर निकलते ही तुम सबकी नौकरी खा जाऊँगा। पिछले 5 घंटों से बॉम्बे पुलिस क्राइम ब्रांच के कमरे में बंद संजय दत्त बार बार यही चिल्लाए जा रहा था, लेकिन कमरे के बाहर खड़ा कांस्टेबल जवाब देना तो दूर इस हीरो की तरफ पलट कर देख भी नहीं रहा था। मॉरिशियस से आतिश फिल्म की शूटिंग खत्म करके इंडिया लौटा संजय दत्त हर बीतते क्षण के साथ टूटता जा रहा था। और सुबह के 8 बजते-बजते जब वो पूरी तरह टूट चुका होता है, तब डीसीपी राकेश मारिया इस कमरे में प्रवेश करते हैं। राकेश मारिया आईपीएस, बॉम्बे पुलिस का एक डीसीपी जो सुनील दत्त और नरगिस के एक लौते बेटे को गिरफ्तार करने के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी ले चुका था, कई बड़े नामों को अपना दुश्मन बना चुका था। बैठ जाओ। कमरे में पड़ी 2 कुर्सियों में से एक की तरफ इशारा करते हुए डीसीपी मारिया संजय दत्त से बैठने के लिए कहते हैं और वो चुपचाप उस कुर्सी पर बैठ जाता है। दूसरी कुर्सी को संजय के सामने रख डीसीपी मारिया भी बैठ जाते हैं और थोड़ी देर तक उसका चेहरा घूरने के बाद उससे कहते हैं, तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे या फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारी कहानी सुनाना शुरू करूं? डीसीपी मारिया ये कहते हैं तो अपनी आंखों में आंसू लिए संजय दत्त उत्तर देता है, सर मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं। इससे पहले के संजय दत्त की ये बात पूरी हो पाती, डीसीपी मारिया उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ देते हैं। कुर्सी पर बैठा संजय दत्त पीछे की तरफ गिरने लगता है कि तभी मारिया उसके बाल पकड़ के उसे वापस खींचते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, देख हीरो, मैं बहुत शराफत के साथ तुझसे सवाल पूछ रहा हूं, तू भी शराफत से जवाब दे। नमस्कार, जय मां भारती। 12 मार्च 1993, ये वो दिन था जब बॉम्बे में हुए सीरियल धमाकों ने बॉम्बे ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन के 3 दिन बाद यानी कि 15 मार्च 1993 के दिन धमाकों का ये केस सुलझाने के लिए डीसीपी राकेश मारिया को सौंप दिया जाता है। वो खुद अपने हाथों से 162 ऑफिसर्स की एक डिटेक्शन टीम बनाते हैं और फिर ये टीम अगले कई हफ्तों तक 21 अलग अलग राज्यों के 70 से ज्यादा शहरों, कस्बों और जिलों में छापे मारने के बाद टोटल 189 लोगों को धर दबोचती है। दाऊद और उसके भाई अनीस ने मोहम्मद डोसा और टाइगर मेमन जैसे लोगों के साथ मिलकर इस देश के गरीब और बेरोजगार लोगों की धार्मिक भावनाओं और गुस्से का गलत फायदा उठा, उनसे ये काम करवाया था। अब काम हो जाने के बाद ये चारों खुद तो दुबई, लाहौर और कराची जैसे शहरों में जाकर छुप गए थे, लेकिन अपने उन 189 सिपाहियों को सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इन 189 लोगों में सभी के सभी दंगों के मारे गरीब और बेरोजगार लोग थे, बिल्कुल भी नहीं। इनमें कई लोग बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने वाले खाते पीते लोग थे, कोई व्यापारी था तो कोई बॉलीवुड का प्रोड्यूसर। और अब ऐसे ही 2 आरोपी ये दावा कर रहे थे कि दाऊद के हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में संजय दत्त ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के एमपी दिग्गज एक्टर सुनील दत्त और अपने जमाने की मेगा स्टार नरगिस का इकलौता बेटा संजय दत्त, राकेश मारिया के लिए इससे बुरी समीकरण और कोई नहीं हो सकती थी। वो जानते थे कि अगर ये दोनों आरोपी सच बोल रहे हैं तो उन्हें संजय दत्त को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा और ये जलते कोयलों के ऊपर चलने से कम नहीं होगा। सर, वो माहिम पुलिस स्टेशन से कांस्टेबल आपसे मिलने आया है, कहता है कुछ बहुत जरूरी बात है। डीसीपी मारिया का पीए उन्हें यह बताता है तो वो उस कांस्टेबल को अंदर भेजने के लिए कहते हैं।
जय हिंद साहब। ऑफिस के अंदर घुसते ही ये कांस्टेबल डीसीपी मारिया को सल्यूट मारते हुए उनसे कहता है, साहब वो हनीफ और समीर आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके पास, दोनों कल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हो। जैसे ही डीसीपी मारिया ये कहते हैं, वो कांस्टेबल एक बार फिर सल्यूट मार ऑफिस से बाहर चला जाता है और मारिया अपने एक एसआई को तुरंत माहिम पुलिस स्टेशन भेज देते हैं, जहां समीर और हनीफ दोनों लॉकअप में बंद थे। हनीफ कड़ा वाला और समीर हिंगोरा, ये दोनों दाऊद और अनीस इब्राहिम के विश्वसनीय गुर्गे थे, लेकिन ऐसे वैसे सड़क चलते टपोरी टाइप गुर्गे नहीं, बल्कि अच्छा खासा पैसा कमाने वाले बिजनेसमैन गुर्गे। जहाँ हनीफ बांद्रा के मशहूर तवा रेस्टोरेंट का मालिक था, वहीं समीर मैग्नम वीडियोस नाम की एक कंपनी चलाता था और बॉलीवुड की IMPP एसोसिएशन का अध्यक्ष भी था। इन दोनों ने ही दाऊद द्वारा मुंबई भिजवाए गए हथियारों और विस्फोटकों की स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में एक मुख्य भूमिका निभाई थी। और अभी 2-3 दिन पहले पकड़े गए दाऊद के एक और खास गुर्गे बाबा मूसा चौहान ने इन दोनों का नाम डीसीपी मारिया को बताया था। 2 घंटे बाद हनीफ और समीर राकेश मारिया के सामने बैठे होते हैं। हाँ जल्दी बताओ, जो भी बताना है, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। कई हफ्तों से ऑफिस में ही रह रहे डीसीपी मारिया की आवाज में चिड़चिड़ापन साफ सुनाई पड़ रहा था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद हनीफ थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए डीसीपी मारिया से कहता है, साहब आप वो बड़े लोगों पे हाथ डालने से डरते क्या? कौन बड़े लोग, किसकी बात कर रहे हो? हनीफ के इस ताने को सुन और ज्यादा गुस्से में आ चुके डीसीपी मारिया पूछते हैं, तो वो उत्तर देता है, संजू बाबा साहब, संजू बाबा। संजू बाबा वो कौन है? गुस्से को छोड़ अचंभे की तरफ आ चुके डीसीपी मारिया ये पूछते हैं, तो हनीफ और समीर एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं और फिर एक साथ एक आवाज में बोलते हैं, संजय दत्त साहब, संजय दत्त, आपका वो हीरो संजय दत्त। हनीफ और समीर डीसीपी मारिया को बताते हैं कि बाबा मूसा चौहान हथियारों से भरी एक गाड़ी उनके पास लेकर आया था और फिर समीर खुद उस गाड़ी को ड्राइव करके दत्त के बंगले पर लेकर गया था, जहां सारे हथियार गाड़ी से उतार कर रख दिए गए थे। इसके कुछ दिन बाद हनीफ भी एक मारुति 1000 गाड़ी लेके दत्त के बंगले पर गया था और उन हथियारों में से कुछ तो संजय दत्त ने अपने पास रख लिए थे, जबकि बाकी के हथियार उस गाड़ी में वापस भिजवा दिए थे। बुरी तरह चौंक चुके राकेश मारिया थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हनीफ और समीर से पूछते हैं, दत्त के घर से वो हथियार कहाँ गए थे? आखिरी ठिकाना क्या था उनका? साहब वो तो हमें नहीं पता, लेकिन दाऊद के हथियार दत्त के बंगले पर गए थे, ये बात बिल्कुल सच है, हम अपने बच्चों की कसम खा के बोल रहे हैं। राकेश मारिया बाबा मूसा चौहान से पूछताछ कर चुके थे और उसने उनको ये बात नहीं बताई थी। इस नई जानकारी से लैस डीसीपी मारिया जब इस बार सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो बाबा मूसा उनको बताता है कि संजय दत्त के घर से निकली हथियारों से लदी वो मारुति 1000 मंजूर अहमद नाम के एक आदमी की थी। इसी दिन रात को मंजूर अहमद को भी उसके घर से उठा लिया जाता है। अपनी पूछताछ में मंजूर डीसीपी मारिया को बताता है कि संजय दत्त के घर से उन हथियारों को जैबू नीसा काजी नाम की एक औरत के घर भेजा गया था, जो बांद्रा में रहती है। इधर मंजूर ये जानकारी डीसीपी मारिया को देता है और उधर एक टीम जैबुनीसा के घर के लिए निकल पड़ती है। डीसीपी मारिया के सामने आते ही ये महिला फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मेरी 3-3 बच्चियां हैं और हमारे तो खाने तक के वांदे हैं साहब, मुझे जाने दो साहब, आपको मेरी बच्चियों का वास्ता साहब, मुझे जाने दो, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। एक औरत को अपने सामने ऐसे रोते हुए देख डीसीपी मारिया का दिल पसीज जाता है। इस बेचारी को क्या पता होगा, ये तो पहले से ही किस्मत की मारी लग रही है। यही सोचते हुए राकेश मारिया जैबुनीसा को घर जाने की अनुमति दे देते हैं। साले मुझे चुतिया समझता है? गुस्से में बिलबिलाते हुए डीसीपी मारिया मंजूर अहमद के ऊपर बरस पड़ते हैं। खुद को बचाने के लिए एक भोली भाली औरत को फंसा रहा है, 3-3 बच्चियां हैं उसकी, साले कुछ तो शर्म कर। अरे साहब मेरे भी बच्चे हैं, मैं कोई सड़क चलता फकीर थोड़ी ना हूँ। अपनी आवाज में सच्चाई की खनक लिए मंजूर डीसीपी मारिया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और जैबुनीसा के बारे में और भी कई बातें बताता है। इस बार वो एक और नाम डीसीपी मारिया को बताता है, जो जैबुनीसा, संजय दत्त, दाऊद और हथियारों से जुड़ा हुआ था। एक नाम जो अब तक हुई जांच में डीसीपी मारिया के सामने नहीं आया था, ये नाम था अबू सलीम अब्दुल कय्यूम अंसारी।
मंजूर खुलासा करता है कि दत्त के बंगले से ज़ैबुन्निसा के घर तक हथियार अबू सलीम नामक इस 25 वर्षीय युवक ने पहुंचाए थे, जो उसकी ही तरह यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। एक बार फिर एक पुलिस टीम को ज़ैबुन्निसा के घर भेज दिया जाता है, और इस बार जब वो डीसीपी मारिया के सामने आती है तो वो गुस्से के बुखार से तप रहे होते हैं। मुझसे झूठ बोलती है, ये चिल्लाते हुए डीसीपी मारिया जैसे ही ज़ैबुन्निसा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, वो उनके पैरों में गिर जाती है और रोते हुए उन्हें अबू सलीम के घर का पता बता देती है। ऊपर वाले से दुआ करके वो मुझे मिल जाए, अगर नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं। जैसे ही डीसीपी मारिया ये बोलते हैं, ज़ैबुन्निसा अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहती है, वो साहब जैसे ही आपने मेरे को छोड़ा, मैंने सबसे पहले बाहर वाले पीसीओ से अबू को फोन किया था। वो बोला कि वो तो अभी के अभी मुंबई से कल्टी मार रहा है और मेरे को भी ऐसा ही करना चाहिए। डीसीपी मारिया एक ऐसी गलती कर चुके थे जिसको ठीक करना अब संभव नहीं था। अगर ज़ैबुन्निसा पर दया खा विश्वास करने के बजाय उन्होंने सख्ती से काम लिया होता तो आज अबू सलीम वो अबू सलीम ना होता जिसे ये दुनिया जानती है। ज़ैबुन्निसा की कॉल आते ही अबू पहली फ्लाइट से दिल्ली और फिर दिल्ली से नेपाल होते हुए दुबई पहुंच जाता है, और बहुत ही जल्द दाऊद के भाई अनीस का सबसे खास आदमी बन बॉम्बे के व्यापारियों और फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैलाना शुरू कर देता है। कई दिनों की कड़ी जांच और पूछताछ में डीसीपी मारिया को हथियारों की इस पहेली के अलग अलग टुकड़े मिलते रहते हैं, और जब वो इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। इस पिक्चर की कहानी ये थी कि अनीस इब्राहिम के निर्देश पर बाबा मूसा चौहान अबू सलीम को एक मारुति वैन में हथियार लेने गुजरात के भरूच भेजता है। करोड़ों रुपए के हथियार भरूच से मुंबई आ तो जाते हैं, लेकिन अब इनको रखने के लिए एक सुरक्षित जगह भी चाहिए थी। अनीस बाबा चौहान से कहता है कि इसके लिए हनीफ और समीर का लिंकिंग रोड वाला ऑफिस एकदम ठीक रहेगा, लेकिन ये दोनों व्यापारी उसे बताते हैं कि उनका अपने मकान मालिक के साथ एक विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा है और वो छोटी छोटी बातों पर पुलिस बुलाता रहता है, इसीलिए उनके ऑफिस में हथियार रखना रिस्की हो सकता है। हनीफ और समीर ने अनीस को मना तो कर दिया था, लेकिन वो उसको नाराज भी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो उसको एक ऐसा नाम सुझाते हैं जिसके यहाँ हथियार बड़े आराम से रखे जा सकते थे और किसी को जरा सा भी शक नहीं हो सकता था। भाई क्यों ना अपने हीरो के घर पे रखवा दें, वो आपको बहुत मानता है, मना नहीं करेगा। अनीस को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो तुरंत संजय दत्त को एक फोन मिलाता है और उसके केवल एक बार बोलने पर सुनील दत्त नरगिस का ये बेटा अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने को तैयार हो जाता है। वही मातृभूमि जिसने कभी उसके माता पिता को अपनी पलकों पर बिठाया था और आज उसको भी इतना बड़ा स्टार बना दिया था, उसको दुनिया भर की दौलत शोहरत मान सम्मान दिलाया था। संजय दत्त उसी मातृभूमि के गद्दारों की सहायता करने के लिए केवल एक फोन कॉल पर तैयार हो जाता है। जनवरी 1993 के दिन अनीस हनीफ और समीर को हथियारों से लदी गाड़ी हीरो के घर ले जाने का आदेश देता है। समीर अपनी गाड़ी चला रहा था और उसके पीछे पीछे अबू सलीम हथियारों वाली मारुति वैन। समीर और अबू के साथ बाबा चौहान भी मौजूद था। हीरो पहले से ही अपने बंगले पर उनका इंतजार कर रहा था, और जैसे ही ये तीनों उसके बंगले पर पहुंचते हैं, संजय दत्त वहां गार्ड ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल को बाहर भेज देता है। इसके बाद संजय दत्त गराज का दरवाजा खोलता है और मारुति वैन अंदर घुस जाती है। 3 AK-56 राइफल्स, 25 हैंड ग्रेनेड्स, 1 9mm पिस्टल और कुछ गोलियां खुद के लिए एक डफल बैग में रखने के बाद संजय दत्त बाकी के हथियार अपने गराज में रखवा देता है। काम पूरा होते ही बाबा चौहान, समीर और अबू सलीम अपनी गाड़ियों में बैठ बंगले से निकल जाते हैं और संजय दत्त उस डफल बैग के साथ अपने कमरे में चला जाता है। अब अनीस के कहने पर संजय दत्त ने हथियार अपने बंगले पर रखवा तो लिए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसको घबराहट और बेचैनी होना शुरू हो जाती है। वो अनीस को फोन कर हथियार वहां से वापस ले जाने को कहता है और अनीस बाबा चौहान को। अब बाबा चौहान ये काम अबू सलीम को सौंप देता है और इस बार अबू और हनीफ दो अलग अलग गाड़ियों में दत्त के बंगले पर जाते हैं। इनमें से एक गाड़ी मंजूर अहमद की थी और दूसरी हनीफ की। इस बार भी हीरो अपने बंगले पर उनका इंतजार कर रहा था। बाकी हथियारों के साथ संजय दत्त अपने बैग में से 2 राइफल और हैंड ग्रेनेड्स तो वापस कर देता है, लेकिन 1 राइफल और 9mm पिस्टल अपने लिए रख लेता है।
यहाँ से हनीफ अपने ऑफिस निकल जाता है और अबू सलीम हथियारों के साथ मंजूर की गाड़ी में ज़ैबुन्निसा काजी के घर। कुछ दिन बाद दोबारा अबू सलीम ज़ैबुन्निसा के घर आता है और वो हथियार वापस ले जाता है। अब यहाँ से हथियार कहाँ गए ये बस अबू सलीम ही जानता था और वो DCP मारिया की पहुँच से बहुत दूर दुबई में बैठा हुआ था। सीरियल धमाकों के इस केस में संजय दत्त का नाम आ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका था। DCP मारिया तुरंत जॉइंट कमिश्नर MN सिंह को फोन करके ये जानकारी दे देते हैं। मारिया तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? सकते में आ चुके MN सिंह राकेश मारिया से कहते हैं तो वो उत्तर देते हैं, हाँ सर अच्छे से पता है और मेरे पास एविडेंस की पूरी चेन भी है, मैं ये साबित कर सकता हूँ। लेकिन अब वो बैग कहाँ है? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद MN सिंह पूछते हैं तो मारिया एक बार फिर जवाब देते हैं, सर उसके घर में ही है, उसके बेडरूम में पड़ा हुआ है, अगर मैं अभी वहां गया तो बैग पक्का मिल जाएगा, बैग उसके घर में ही है। ठीक है मारिया, लेकिन तुम्हें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, DCP मारिया को चेताते हुए MN सिंह आगे कहते हैं, उसके पिता इस देश की संसद के एक मेंबर हैं, तुम एक सिटिंग MP के घर में घुसने वाले हो, तुम्हारे पास गलती करने का कोई स्कोप है ही नहीं, एक घंटे में कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाओ, मैं भी निकल रहा हूं। कमिश्नर S. सामरा DCP मारिया को सावधान करते हुए कहते हैं कि उन्हें बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे। ये दंगों के बाद का वो समय था जब सुनील दत्त ने शिवसेना के साथ साथ अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ था। वो आए दिन धरनों पर बैठ रहे थे और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी बेटी प्रिया दत्त के साथ एक सरकार विरोधी शांति मार्च भी निकाली थी। कहने का मतलब ये कि सुनील दत्त अपनी खुद की पार्टी की सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री शरद पवार के खिलाफ खुलकर मैदान में उतरे हुए थे। कमिश्नर सामरा अच्छे से जानते थे कि यदि संजय दत्त की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध का रंग दे दिया गया तो यह पूरी इन्वेस्टिगेशन पटरी से उतर सकती है और इसका फायदा संजय दत्त को तो होगा ही, लेकिन बाकी के आरोपी भी कोर्ट में इसका इस्तेमाल कर सजा से बच सकते हैं। जब बॉम्बे पुलिस के इन तीनों टॉप कॉप्स के बीच ये विचार विमर्श चल रहा था उस समय संजय दत्त आतिश फिल्म की शूटिंग के लिए मॉरिशस गया हुआ था और कमिश्नर सामरा के अनुसार उसके वापस आने तक इंतजार करना ही ठीक था। अगर हम उसके वापस आने से पहले उसके घर की तलाशी लेते हैं तो हो सकता है कि वो अलर्ट हो जाए और कभी वापस ही ना आए, DCP मारिया को समझाते हुए सामरा आगे कहते हैं, पता करो वो कब वापस लौट रहा है, फ्लाइट से बाहर निकलते ही उसको उठा लेना, और हाँ ये बात इन चार दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए, सर ये बात पूरी तरह सीक्रेट रहेगी। अपने बॉस को विश्वास दिलाने के बाद DCP मारिया पूरे जोश से आगे की प्लानिंग में लग जाते हैं। लेकिन अगले दिन द डेली नामक एक छोटे से अखबार के फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन छपती है, हेडलाइन जो DCP मारिया के सारे जोश पर पानी फेर देती है, संजय के पास AK-56 बंदूक है। रिपोर्टर बलजीत परमार द्वारा द डेली के फ्रंट पेज पर छापी गई यह हेडलाइन मारिया के पैरों तले जमीन हिला डालती है। कल ही तो उन्होंने कमिश्नर को विश्वास दिलाया था कि यह बात पूरी तरह सीक्रेट रहेगी और आज इसकी हेडलाइन छप चुकी थी, ऐसा कैसे हो सकता था, आखिर यह खबर किसने लीक की होगी। DCP मारिया ये सब सोचने में लगे ही होते हैं कि तभी ऐसी अटकलें लगना शुरू हो जाती हैं कि संजय दत्त को केवल इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि सुनील दत्त और CM शरद पवार के बीच 36 का आंकड़ा है। अगले दिन कमिश्नर सामरा DCP मारिया को फोन करके बताते हैं कि उनके पास मॉरिशस से संजय दत्त का फोन आया था। संजय ने भी द डेली में छपी खबर को पढ़ लिया था और अब वो कमिश्नर सामरा को विश्वास दिला रहा था कि उसका और हथियारों का कोई लेना देना नहीं है और अखबार में कही गई हर बात पूरी तरह मनगढ़ंत है। संजय की इस कॉल के बाद कमिश्नर सामरा के दिमाग में भी डाउट पैदा होने लगते हैं और वो एक बार फिर DCP मारिया से पूछते हैं कि मारिया तुम्हारे पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं या नहीं। सर मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं इन दो में से एक काम तो जरूर करूंगा, या तो मैं संजय दत्त और हथियारों के बीच के लिंक को साबित करूंगा या फिर अपने इस्तीफे के ऊपर हस्ताक्षर। राकेश मारिया से सुनने के बाद कमिश्नर सामरा बिना कुछ बोले चुपचाप फोन काट देते हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है। मॉरिशस से निकली संजय दत्त की फ्लाइट 19 अप्रैल 1993 के दिन बॉम्बे के सहार एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। सुनील दत्त के कांग्रेसी समर्थक बॉम्बे पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे। पूरा बॉलीवुड एक स्वर में संजय दत्त के लिए आवाज उठा रहा था। DCP मारिया के कहने पर कमिश्नर AS सामरा और ज्वाइंट कमिश्नर MN सिंह ने पूरी दुनिया से टक्कर ले ली थी। प्रेस में सिर्फ संजय दत्त छाया हुआ था और इस समय पूरे देश की नजरें बॉम्बे के इस एयरपोर्ट पर गड़ी हुई थी।
यही कुछ कारण थे कि राकेश मारिया पिछली दो रातों से एक क्षण के लिए भी नहीं सो पाए थे। टेंशन के मारे उनका सर दर्द से फटा जा रहा था और अप्रैल के सुहावने मौसम में भी उनके पसीने छूट रहे थे। पिछले कई दिनों से उनके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि वो संजय दत्त से पूछताछ कैसे करेंगे। वो जानते थे कि संजय दत्त कोई आम आदमी नहीं है और वो बचने के लिए अपने परिवार के नाम के साथ साथ अपनी एक्टिंग का प्रयोग भी जरूर करेगा। इन्हीं शंकाओं को अपने दिमाग में ले डीसीपी मारिया 10 पुलिस वालों की एक टीम के साथ सहार एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। सादे कपड़ों में एयरपोर्ट आए डीसीपी मारिया अपनी टीम के साथ इंटरनेशनल टर्मिनल के एरो ब्रिज पर फ्लाइट का वेट करने लगते हैं। फ्लाइट लैंड करती है और थोड़ी देर बाद एरो ब्रिज से सटकर रुक जाती है। प्लेन का दरवाजा खुलता है और सबसे पहले संजय दत्त ही बाहर निकलता है। मेरा नाम डीसीपी राकेश मारिया है, अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास मुझे दे दो। अपना आई कार्ड संजय को दिखाते हुए डीसीपी मारिया ये कहते हैं तो अपना पासपोर्ट तो उनके हाथों में थमा देता है लेकिन बोर्डिंग पास नहीं देता। इसके बाद राकेश मारिया संजय दत्त का हाथ पकड़ एरो ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। प्लान के अनुसार नीचे दो गाड़ियां खड़ी हुई थी जिनमें एक डीसीपी मारिया की ऑफिशियल एम्बेसडर गाड़ी और दूसरी क्राइम ब्रांच की एक जीप थी। डीसीपी मारिया अपनी एम्बेसडर में आगे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ जाते हैं और संजय दत्त को दो कांस्टेबल्स के बीच में पीछे वाली सीट पर बिठा दिया जाता है। डीसीपी मारिया ने अपने कांस्टेबल्स को सख्त निर्देश दिए हुए थे कि ना ही उन्हें संजय दत्त से कुछ बोलना है और ना ही उसके किसी सवाल का जवाब देना है। गाड़ी के निकलते ही संजय दत्त राकेश मारिया से पूछने लगता है कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। अरे मेरे पापा, मेरी फैमिली, सब लोग वहां पे खड़े हुए हैं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम एक बार मुझे उनसे मिलने तो दो। संजय दत्त बार बार ये चिल्लाता रहता है लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता और थोड़ी देर में क्राइम ब्रांच का ऑफिस आ जाता है। संजय दत्त को सुबह 9:30 बजे जॉइंट कमिश्नर एम एन सिंह के सामने प्रस्तुत किया जाना था। पिछले 5-6 घंटे अपने परिवार से दूर क्राइम ब्रांच के कमरे में अकेले बिताने के बाद वो बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था और डीसीपी मारिया चाहते भी यही थे। अगर इस दौरान डीसीपी मारिया ने संजय दत्त को अपने परिवार से मिलने दिया होता तो पूछताछ के दौरान उनको उसका एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता। इस दिन की तैयारी में डीसीपी मारिया संजय दत्त के ऊपर काफी रिसर्च कर चुके थे। वो जानते थे कि ये संजय दत्त का परिवार ही है जो आज तक उसको उसकी उंगली पकड़ के चलाता आ रहा है, हर मुश्किल से बचाता आ रहा है। पहले तो डीसीपी मारिया संजय दत्त से बड़े प्यार से कहते हैं कि सब कुछ सच सच बता दो, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देते हैं। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बुरी तरह डर चुका संजय दत्त उनसे कहता है, सर क्या मैं आपसे थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता हूँ? डीसीपी मारिया तुरंत अपने ऑफिसर्स को बाहर जाने का आदेश दे देते हैं और कमरा खाली होते ही संजय दत्त एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए उन्हें सब कुछ सच सच बता डालता है। संजय दत्त द्वारा बताई गई हर बात हनीफ, समीर और बाबा चौहान के बयानों से वर्ड बाई वर्ड पूरी तरह मेल खाती है। हथियार अभी भी तुम्हारे घर में ही है ना? अभी के अभी मेरे साथ चलो और दिखाओ कहाँ रखे हैं। राकेश मारिया ये पूछते हैं तो संजय दत्त और जोर से रोने लगता है और उनसे कहता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए लेकिन वो हथियार तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए। द डेली में वो खबर छपी तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था सर, इसीलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को तुरंत वो हथियार डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने घर भेज दिया था। डीसीपी मारिया तुरंत अलग अलग पुलिस टीम्स को संजय के उन दोस्तों यूसुफ नलवाला, अजय मारवा, केसरी अज्जानिया और रूसी मुल्ला को उठाने के लिए भेज देते हैं। अपनी बात पूरी होने के बाद संजय दत्त राकेश मारिया के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, सर प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बताइएगा, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, वो ये सब सहन नहीं कर पाएंगे। पिछले कुछ घंटों में पहली बार सहानुभूति दिखाते हुए डीसीपी मारिया संजय से कहते हैं, देखो संजय मैं उनसे झूठ नहीं बोलने वाला और अब समय आ गया है कि तुम भी मर्दों की तरह अपनी गलतियों को स्वीकारो और उनके परिणामों का सामना करो। इसी दिन शाम को सुनील दत्त डीसीपी मारिया से मिलने क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच जाते हैं और उनके साथ महेश भट्ट, बलदेव खोसा, राजेंद्र कुमार और यश जौहर भी होते हैं।
राकेश मारिया को देखते ही सुनील दत्त उनसे कहते हैं, डीसीपी साहब आप मुझे जानते हैं ना, मेरे खून में रग रग में राष्ट्रवाद भरा हुआ है। हमारे परिवार की नसों में खून नहीं राष्ट्रवाद बहता है। आप ही बताइए कि मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, आप जो कह रहे हैं वो सच कैसे हो सकता है। नहीं, मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। सर मैं जानता हूं आप कौन हो, सुनील दत्त से सहानुभूति दिखाते हुए राकेश मारिया उनसे कहते हैं, ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सच है। मैं आपके बेटे को आखिर क्यों फंसाऊंगा, सर मैं किसी के भी बेटे को क्यों फंसाऊंगा, आप ही बताइए इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। सर बिना सबूतों के मैं आपके बेटे के ऊपर हाथ डालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। राकेश मारिया के इतना कहने के बाद भी सुनील दत्त उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं होते और तभी कमरे में संजय दत्त का प्रवेश होता है। अपने पिता को देखते ही एक बार फिर संजय दत्त का रोना छूट जाता है और वो उनके पैरों में गिरते हुए उनसे कहता है, पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। अपने बेटे के मुंह से सुनते ही सुनील दत्त के चेहरे का रंग पूरी तरह उतर जाता है। सदमे के मारे उनकी जुबान और आंखें दोनों जमके पत्थर हो जाती हैं। उनकी वो प्रतिष्ठा, उनका वो मान, वो सम्मान जिसे कमाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, वो सब एक झटके में बर्बाद हो गया था। और इसके लिए उनका कोई राजनैतिक प्रतिद्वंदी या दुश्मन नहीं, बल्कि अपना खुद का खून, अपना इकलौता बेटा जिम्मेदार था। सुनील दत्त की यह हालत देख राकेश मारिया की आंखों के सामने अपने बेटे कुणाल का चेहरा आ जाता है, जो उस समय केवल 5 साल का था। उस क्षण में राकेश मारिया को समझ आता है कि एक पिता और बेटे के बीच कम्युनिकेशन गैप होना कितना ज्यादा खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकता है। उस समय सुनील दत्त की आंखों में जो पीड़ा और दुख था वो जिंदगी भर राकेश मारिया के दिमाग में रहने वाला था। डीसीपी राकेश मारिया को अपने घर गए 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका था। 12 मार्च के उस अनहोने दिन से लेकर अभी तक एक बार भी वो अपने घर नहीं गए थे, लेकिन आज 19 अप्रैल की रात वो अपने घर जाते हैं और सबसे पहले अपने बेटे कुणाल को कसके गले लगाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं अपने बेटे को समय ना दे पाने के दोषी थे और आशा कर रहे थे कि बड़ा होते होते उनका बेटा उनको समझने लगेगा और शायद माफ भी कर देगा।